कानपुर शहर में लगातार एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती को 15 दिन पहले प्रेम जाल में फंसा कर निकाह करने का झांसा देकर 15 दिनों से अपने घर में रखा गया था, जिसके बाद बेटी ने अपनी माँ को मामले से रूबरू कराया तो हिंदूवादी संगठनों ने जाजमहू पहुंचकर हंगामा किया और युवती को मुक्त कराया, जिसके बाद आज यूपी के भजन एसपी दक्षिण के कार्यालय पहुंचे हैं और शिकायत भी। आपको बताते चले कि पूरा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के 10 ब्लॉक का है, जहां पर रहने वाली ममता तिवारी की बेटी को 15 दिन पूर्व नफीस नाम का युवक पेशे से ट्रक ड्राइवर था, नफीस युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा कर ले गया था। पीड़ित की माँ का आरोप है कि उनकी बेटी को 2 दिन पूर्व फोन आया था, जिसकी आप बीती माँ से बयां की, जिसके बाद उन्होंने हिंदूवाटी संगठनों से संपर्क किया, जिसके बाद हिंदूवाटी संगठनों ने जाजमहू पहुंचकर युवती को मुक्त कराया। पीड़ित माँ का आरोप है कि नवीज नाम के युवक ने बेटी के प्रेम जाल में फंसा कर लव जिहाद का शिकार बनाया और तंत्र मंत्र करके उसको कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने एसपी दक्षिण कार्यालय में पहुंचकर मामले की शिकायत की है। वहीं एसपी दक्षिण दीपक बकूर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में माह के भीतर 6 लव जिहाद से जुड़े मामले शहर में सामने आ चुके हैं, जिसकी जांच के लिए आईजी मोहित अग्रवाल ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जिसके जांच एसपी दक्षिण के नेतृत्व में ही होनी है। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मामला आप लोगों के संज्ञान में पूर्व से पिछले कई दिनों से लगातार कानपुर महानगर में लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है। वह आज हमारी जानकारी में मुस्कान नाम की एक लड़की, उसके परिवार वालों का फ़ोन आया कि इस प्रकार से लड़की हमारी 7 दिनों से लापता है और आज उसका फ़ोन उनके पास आया कि वह उससे मिलना चाहती है। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको रामा देवी जेके के पास से पकड़ा और एसपी साहब के सामने प्रस्तुत किया। आप जैसा जानते हैं कि लव जिहाद एक सामान्य विषय नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है और सोचा समझा काम है, षड्यंत्र है। हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर भगाकर ले जाना, उनका धर्म परिवर्तन करना और उनको मानसिक रूप से हमारे और उनके परिवार के प्रति दुर्भावना व्यक्त करना, ये ठीक यही प्रकरण था आज भी। जिस प्रकार सैफ अली खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इनका वो नाम लेते हैं कि इन्होंने भी हिंदू लड़कियों से शादी की, आज वो हिंदू लड़कियाँ खुश हैं, और इसी प्रकार वो अन्य नाम भी लेते हैं। समाज में नाम बदलकर, कलावा पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर वो घूमते हैं, हिंदू कन्याओं को प्रलोभित करते हैं। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है और इसमें कोई 5-10 लोग सम्मिलित नहीं है, सैकड़ों की संख्या में संजाल है। मस्जिदों से मौलवी और मदरसों से लेकर नेताओं तक का इनको संरक्षण प्राप्त है। इसलिए इस षड्यंत्र को और इस प्रकार के तंत्र को, जो हमारे घर की कन्याओं को, लड़कियों को, हिंदू कन्याओं को बहलाकर फुसलाकर ले जा रहे हैं, ये घोर असंवैधानिक है और धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला है। ये हिंदू धर्म के प्रति लगातार जो जिहाद का मामला है, वो लव जिहाद के माध्यम से समाज को तोड़ने का मामला है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसके लिए सड़कों पर संघर्ष करेगा और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेटी को आपने बरामद किया था, तो बेटी से पूछताछ, बेटी ने क्या बताया कि किस तरीके से लोग ले गए? अभी बेटी से पूछताछ चल रही है, एसपी साहब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमारे सामने उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो बड़ी भयभीत है और डरी हुई है। उसके पास से कुछ इस प्रकार की ताबीजें भी मिली हुई हैं कि वो जहाँ पर रखी गई थी वहाँ पर मौलवियों के द्वारा उसको पढ़ाया गया, उसको पानी पिलाया गया, जिससे वो मानसिक रूप से पूर्णतः अस्वस्थ है। इसलिए हमको तो कुछ नहीं बता रही है, शायद एसपी साहब को उसने कुछ बयान दिया हो। एसपी साहब इस विषय में आपको अच्छी तरीके से अवगत करा सकते हैं कि वास्तव में वो चाहती क्या है, उसके साथ क्या हुआ है। परिवार वाले बोल रहे हैं, उनकी माताजी बोल रही हैं कि लड़की नाबालिग है, अभी हमने उसकी मार्कशीट नहीं देखी है। परिवार वालों के अनुसार अभी लड़की नाबालिग है। बात सामने आ रही है कि किसी के जरिए से उसके आरिफ के संपर्क में आए थे, कौन लोग थे जिनके जरिए से ये संपर्क में? अभी ये लड़की से प्रश्न पूछने का वास्तव में जाँच का विषय है, कि बहुत बड़ा जाँच का विषय है। इसमें जूहीलाल कॉलोनी के कुछ लड़के और लड़कियाँ इसके साथ संपर्क में थे, कुछ आरिफ, कई और मुस्लिम नाम इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है समाज की हिंदू लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर, भगाकर लेकर जाने का। ये सामान्य नहीं है, सोची समझी रणनीति है जो बड़े षड्यंत्र के तहत काम कर रही है और हमारे समाज में हमारी लड़कियों को प्रलोभन देकर और उनको उन्मुक्तता के आधार पर और फिल्मी सितारों के नाम बताकर उनको उनके घर से भगाने का और उनको बहलाने का, फुसलाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एनएसए का कानून, इनके ऊपर रासुका का कानून और जो गंभीर धाराएं हैं लगानी चाहिए, क्योंकि यह सोची समझी रणनीति है, सोची समझी चाल है। लड़कियों को उनके मन में बहलाकर, फुसलाकर और मस्जिदों में कुछ इस प्रकार का जंत्र मंत्र और जादू टोना करके, जब सुशांत राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती कर सकती है, तो ठीक यही प्रकार यहाँ पर इस प्रकार का काम और कुकृत्य किया जा रहा है वशीकरण के द्वारा।
द्वारा, अन्य ताबीजों के द्वारा और अन्य ये उपक्रमों के द्वारा ये निरंतर पैसे का लोभ देकर, और जो फंडिंग हो रही है इसका फंडिंग की जाँच करनी पड़ेगी कि वास्तव में इनको फंडिंग हो कहाँ से रही है और ये क्यों नाम बदल कर और किस प्रकार हमारे समाज में घुसने का और हमारे समाज को तोड़ने का और हमारे समाज में जो तंत्र इसका विकसित हो रहा है उस तंत्र को किस प्रकार ये समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू समाज को किस प्रकार बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को किस प्रकार बहलाकर फुसलाकर भगाकर ले जाने का कृत्य कर रहे हैं। ये लव जिहाद है, जनसंख्या जिहाद के साथ साथ लव जिहाद है, जिहाद का यह दूसरा प्ररूप है। आतंकवाद के साथ साथ इसके साथ भी उसी क्रूरतम और जो असंवैधानिक दायरा है उससे ऊपर उठकर इसमें जाँच बिठानी चाहिए। माननीय SP साउथ साहब SIT के प्रमुख बनाए गए हैं और हम समझते हैं कि वो इस पर जरूर से जरूर कार्रवाई करेंगे और प्रदेश सरकार से भी मेरा आग्रह और निवेदन यही है कि उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई और रासुका के तहत कार्रवाई करनी ही चाहिए और यही न्यायोचित है और यही धर्मोचित भी है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हम बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। बेटी के साथ भैया, मेरी बेटी अभी नाबालिग है, महज 17 साल की है और उस दिन वो गई थी मंदिर दर्शन करने बारा देवी, वहीं पे पता नहीं कौन मिला, भला फुसला के जो भी मिला हो उसको ले गया। फिर हम लोग एक हफ्ते मतलब रिश्तेदारी में ढूंढते रहे, शायद सहेलियों के यहाँ, स्कूल में पता करना ये वो। फिर हमने अब सोचा कि चलो कंप्लेन करते हैं, तैसे ही एक हफ्ते बाद ये सोचा चलो अब कंप्लेन करते हैं, अब नहीं मिलेगी, रिश्तेदारी में थी नहीं। तो इसी का मेरे फ़ोन पे कॉल आया कि मम्मी हम इस जगह हैं रामा देवी, ऐसे ही कुछ करके आया। तो हमने कहा बेटा हमसे मिलोगी, तो हमने ऐसे बोला, तो बोली हाँ मम्मी हम मिलना चाहते हैं। इसने परसों बोला कि परसों मिलेंगे, उसके बाद बोली कल मिलेंगे, दो दिन ये नहीं मिलने आई। तो इसने आज बोला कि मम्मी आज सुबह 7 बजे मिलेंगे। तो हमने कहा कहाँ मिलोगी, इसने बोला कि हम मिलेंगे वहाँ साथ रामा देवी चौराहे पर। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पर ये मिली। जब ये मिली तो हमने इससे पूछा कि बेटा तुम्हें कौन ले गया था, तो इसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा घर चलोगी, तो बोली हाँ चलेंगे। तो हम लोग घर आए, फिर इन भाई लोगों को हमने कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और इसके गले में ताबीज़ बांधा गया था, इसके पर्चियाँ दी गई थी कुछ खिलाने पिलाने का, मतलब भूत प्रेत वगैरह कुछ भी जो भी कराया गया हो, इसके गले में बड़ा सा ताबीज़ था वो हमने खोल दिया। फिर ये भैया लोग फिर हम लोग को यहाँ ले कर आए। कौन है लड़का जिसने ये सब काम किया है? ये सब ये कोई मुस्लिम है, इसका नाम आसिफ ऐसे कुछ करके है। तो बेटी का भी क्या धर्मांतरण कराया, नाम बदलवाया उसको? बेटी का नाम घर का तो शिवानी है, लेकिन बहरहाल मुस्कान बोल रही है। आपने नाम रखा है? नहीं, मुस्कान तो मेरा ही रखा हुआ नाम था, लेकिन अभी उसका निकाह बेटी बता रही मस्जिद में ले गए थे उसको फ्रूट भरवाया था। हाँ, ये सब जो भी करवाया हो। अब हम तो वो हमें वो अभी उसने यही बताया है कि मम्मी जो है बेटी, तो खैर हमारी लड़के से भी बात हुई, हमने कहा लड़के से हमको बात कराओगी, तो लड़के से बात हुई तो कह रहा कि ना हमारी अभी शादी हुई है और हम करने वाले थे एक हफ्ते में, और वो ज़्यादा कुछ हमें उसने बताया ही नहीं हमें। फिर कितने दिन से बेटी आपके पास उसके पास थी? उसके पास एक हफ्ता, एक हफ्ते से। क्या लग रहा है बेटी को क्या लव जिहाद का शिकार बनाने? हाँ यही भैया, ये जो गिरोह हैं जो अभी आजकल पेपर में आ रहे हैं उसमें दिखाए जा रहे हैं यही लोग हैं। किसके जरिए से बेटी का? ये इसकी कोई सहेली है, मुस्लिम ही सहेली भी है जहाँ ये पढ़ती थी, नाम हम भूल गए हैं, मुस्लिम ही इतना मालूम है, बेटी को घर मालूम है, ये रिजवाना, ये वहाँ जाया करती थी। धर्म परिवर्तन भी कराने के लिए कहा गया था? हाँ कहा गया था कि तुम धर्म, उसने कहा कि कोर्ट मैरिज अभी नहीं करेंगे, पहले ये निकाह वाली शादी कर लो। तब तो एक हफ्ते उसको अलग रखा गया, ये वो यही बता रही थी बेटी। शिकायत की पुलिस से आपने? हाँ शिकायत की, अभी अभी भाई लोगों के साथ हम जा ही रहे, पहले तो हमने अपने रिश्तेदारी में देखा, ये कोई शंका ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पहले इसमें एक उनके पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी जो लड़की है कुछ दिन पहले चली गई थी किसी के साथ, और आज वो तहरीर देने पहुँचे हैं थाने पर। जो तहरीर दी है उसके हिसाब से हम FIR दर्ज कर रहे हैं। लड़की जो है वो उनके पेरेंट्स के पास आ चुकी है और FIR दर्ज करके हम आगे की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की को मस्जिद में ले गए तो उसको पानी पिलाया गया वहाँ पर और उसके सामने उसका। ये अभी उनके पेरेंट्स के द्वारा यही जो है वो तहरीर में भी दिया जा रहा है, इसमें हम FIR दर्ज कर बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो लड़की है चूँकि वो बालिग है,
तो हम उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उनके 164 के बयान भी करवाएंगे। एसआईटी का गठन हुआ है लव जिहाद के जुड़े मामलों को जांच करने के लिए, वो जांच आपको ही मिली है, जिस तरह से लगातार ही मामले आ रहे हैं, तो इस पर इस मामले को भी क्या जोड़कर देखा जा रहा है? इसमें एक जांच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है और उसमें भी मैं जल्द ही जांच करके अपनी रिपोर्ट जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करूँगा। लड़के का क्या नाम था, क्या आरोप लगाया? ये जो लड़की है ये गोविंद नगर की रहने वाली हैं, इनका मुस्कान नाम बताया है और ये बालिग है। ये जो जिनके साथ वो गई हैं उनके उस लड़के का नाम नफीस बताया जा रहा है जो गाड़ी चलाता है और ये जाजमऊ का रहने वाला है। कितने दिन इसके लड़की के संपर्क में रहा हुआ? ये अभी इसकी डिटेल में हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया है उन्होंने ये बताया कि वो पिछले 15-20 दिन से उनके संपर्क में थी। सारे मामलों से जुड़ा हुआ एक ही क्षेत्र आ रहा है जूहीलाल कॉलोनी, क्या ये लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है? जैसे मैंने पहले अवगत कराया कि ये जाँच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है, तो वो मैं जाँच पूरी करके और उसकी रिपोर्ट प्रेषित करूँगा।